एसओजी की टीम ने फर्जी डिग्री मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एसओजी के डीआईजी पारिस देशमुख ने बताया कि दो अलग अलग विश्वविद्यालयों के संस्थापक जोगेंद्र सिंह और जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी कई विश्वविद्यालयों को संचालित कर फर्जी डिग्री बांट रहे थे। इनमें से करीब 5 लोगों ने फर्जी डिग्री प्राप्त कर सरकारी नौकरी भी हासिल की है, जिनकी जानकारी शिक्षा विभाग को दी जा चुकी है। वाले मामले में अभी 3 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां एसओजी द्वारा की गई है, जिसमें ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेंद्र सिंह को, और जिस समय पर ये फर्जी डिग्रियां काफ़ी बड़ी संख्या में बनी उस वक्त यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जितेंद्र यादव को। जितेंद्र यादव अभी वर्तमान में एमके यूनिवर्सिटी पाटन का खुद मालिक हैं, सनराइज यूनिवर्सिटी में बड़ा स्टेक होल्डर हैं, और बूंदी में जीत यूनिवर्सिटी जो निर्माणाधीन है वो इसकी है। इसी के साथ साथ सरिता कड़वासरा, जो ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार और चेयरपर्सन रह चुकी है, उसे भी इन 3 लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये बिना पढ़ाई के, ये और कई जगह पर बैकडेट में, कई जगह पर बिना मान्यता के, जिस विषय की मान्यता भी इस यूनिवर्सिटी को नहीं दी गई है संबंधित एजेंसी से, उसकी भी डिग्रियां इन्होंने बांटी है। कई डिग्रियां इन्होंने बैक डेट में बांटी है, और कई डिग्रियां इन्होंने जो सरकार के नियम हैं उस नियमों को तोड़कर डिग्रियां बांटी है। 5 केसेस तो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा और जो विसंगति आई हैं उनको हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी हाईलाइट किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पर रीवेरिफिकेशन एक बार करवा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इस रीवेरिफिकेशन में और फर्जी डिग्रिया वाले सरकारी कर्मचारी मिलेंगे और उन पर संबंधित कार्रवाई होगी।